वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, आरू को मैंने स्कूल भेज दिया है। अभी हम लोग, मैं और आरू के पापा लगाने वाले हैं बूजो को इंजेक्शन, क्योंकि डॉक्टर हमें सिखा के भी गए थे और बताया भी था कि स्किन में ऐसे ऐसे लगाना है, क्योंकि आज डॉक्टर नहीं आ सकते, इसलिए कल ही बता के चले गए थे डॉक्टर कि ऐसे ऐसे लगाना है, तुम घर पर ही लगा देना। इसलिए आज मैं आरू के पापा लगाने वाले हैं बूजो को इंजेक्शन। सो गाइज, ब्लॉग के अंत तक बने रहिएगा और हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गो गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ। आरू के पापा भर रहे हैं इंजेक्शन बूजो के लिए। एक तो भर चुके हैं, एक नहीं सॉरी दो दो तो इंजेक्शन भर चुके हैं ये, और एक अभी भर रहे हैं। मैं आपको बूजो को दिखाती हूँ कैसे डरी डरी घूम रही है, क्योंकि उसको पता है अभी इंजेक्शन लगेंगे तुझे। ये देखो अभी इंजेक्शन लगेंगे, ये यहाँ उठा के ले रही इंजेक्शन के। नहीं लगवाएगी? नहीं, ये देखो कैसे घूम रही है। मेरे को इंजेक्शन मत लगवाओ, तुझे ही लगेगा इंजेक्शन। कहाँ लगेगा? सो गाइज, अभी इसको बांध देते हैं। ये देखो अंदर चली गई। डंडे से मत पीटी, डंडा लाई उठा के इसको तोड़ के फेंकेगी। अभी डंडे से पीट के तुझे इंजेक्शन लगा दे। सो गाइज, यहाँ तीनों इंजेक्शन भर चुके हैं, अभी लगेंगे बूजो को। ये देखो लगवाती भी तो नहीं है, डॉक्टर ने बोला था देखे गए तीनों के तीनों इंजेक्शन के। अभी आ तुम ही लगा दो, स्किन में लगेंगे ना। यहाँ बूजो की बांधा जुड़ी हो रही है स्टार्ट। ये देखो इसका मुंह बांध दिया, जैसे कि हम इंजेक्शन लगाएंगे तो ये खाए ना, नहीं तो काटेगी, दर्द होएगा इसको। बूजो, ये देखो इसका मुंह बांध दिया हमने, अभी लगेंगे इंजेक्शन। अभी आरू के पापा बांध रही हैं बूजो को। आरू जा चुका है स्कूल और अभी बूजो को लगेंगे इंजेक्शन। सो गाइज, अभी पकड़ के इसको इंजेक्शन लगवा देती हूँ, फिर मिलते हैं इंजेक्शन लगाने के। भाई लगाने जा रहे हैं बूजो को इंजेक्शन, आपको दिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। अभी मैं बन गई हूँ, मैंने इसलिए इंजेक्शन लगाया क्योंकि मेरे से भी नहीं लगती, वो खुद कैसे घूम जाती है, इसलिए मैंने लगा दिया। लेके अब ये दूसरा इंजेक्शन आता है, लगेगा को बैठ लिया आराम से। एक इंजेक्शन अभी लगे हैं, दो लग चुके हैं तो मुंह बांध दिया हमने बूजो का, एक इंजेक्शन रह गया है अभी, दूसरी थर्ड नंबर का लगेगा, अभी दो लग चुके हैं। इंजेक्शन लगवाया नहीं है बूजो ने, अभी इतना रह गया है, देखते हैं दोबारा फिर से लगाएंगे। अब इसको अच्छे से हिला देते हैं, क्योंकि दवाइयां इकट्ठी हो जाती है ना तो गांठ सी बन जाती है। दर्द हो गया बूजो को? बूजो ज्यादा दर्द हो गया मेरे बिटू को, है ना? अभी देखो बीमार हो गई ना, खोल दो इसको, मैं खोल दो।
डड्डू रखा देखो स्टार्ट में। नो नो नो, दो तो इसने आराम से लगवा लिए थे। हम लोग नीचे जा रहे हैं, भूजो भी नीचे जाएगी। उधर पापा बाहर जा रहे हैं और भूजो सबसे पहले आगे। अभी दादी जी यहाँ बैठे हैं। दादी जी तबीयत कैसी है आपकी? दर्द हो गया अब ऐसे? कोल्ड में आराम है, हो गया ठीक? अरे बोला। सो गाइज मैं आपको बता दूं, दादी जी की तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है क्योंकि कल दवाइयां भी ली थी दादी जी ने और रेस्ट भी किया था, इसलिए कुछ आराम हो गया है। अब पानी पड़ेगा खुलती नहीं। आइज में ज़्यादा प्रॉब्लम है दादी जी को। कोई बात नहीं, आँख बनवाओगे ना तब ही ठीक होएगा। ये सर दर्द भी क्या पता आपकी वजह से ही होता हो। अभी आरू के पापा ने बाइक निकाल ली है। आरू के पापा जा चुके हैं और अभी मैं आपको भूजो को दिखाती हूँ। ये शैतान भूजो क्या कर रही है? अभी गेट बंद कर देती हूँ वरना बाहर निकल जाएगी ये गंदी बच्ची। दूध वाला अभी तक नहीं आया गाइस हमारा, लेट हो गया। आज तो 9:30 हो गए, अभी तक नहीं आया। सो गाइज मैं अभी आपको अपना पौधा दिखा देती हूँ। ये देखिए मिट्टी उट्टी डाल दी इसमें, बाल्टी में लगा दी हमने। ये पुदीना लगा दिए, ये चाय की पत्ती का पौधा। अभी सबसे पहले तो ये मुरझाएंगे और उसके बाद फिर खड़े होएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, फिर इसके जैसे हो जाएगा ये चाय की पत्ती का पौधा। पहले तो ये सूखेंगे ना दादी जी, और उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगे हरे भरे। क्या और क्या? नहीं ये भी हो जाएगा, चाय की पत्ती का भी हो जाएगा, ये भी ऐसा हो जाएगा हरा भरा। अभी एक बार सूखेंगे ना, मिट्टी बदली ना दादी जी इनकी, पहले अलग मिट्टी में थे अभी दूसरी मिट्टी में है, तो अभी तो मुरझाएगा ये और फिर हरा भरा अच्छा हो जाएगा। फिर तू किस ताल में बैठी हुई है? पौधों को टच नहीं करेगी तू, आई समझ बात? भूजो सी, पौधों को टच नहीं करेगी तू, ओके बोलो करेगी? मुझे बताओ करेगी क्या? पौधों को टच करेगी? नहीं करेगी, वेरी गुड, अच्छा बच्चा हो गया हमारा। ये देखो अभी नहीं फाड़ेगी दादी जी, प्रॉमिस किया है इसने कि मैं बिल्कुल टच नहीं करूंगी पौधों को, वो नहीं करेगी टच। यारू स्कूल से आ चुका है और यहाँ पे आ चुका है आरू का खाना। खाने में बनी है तोरी की सब्जी। आरू खा लो बेटो, ऐसे नहीं परेशान करते हैं। ये लड़का हमेशा ऐसे ही करता है, खाना सामने होता है, बट देखो इधर मूवी चली हुई है और इधर आरू देखो शैतानी करना स्टार्ट कर देता है। वेरी गुड, अभी हो गया अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा हो गया आरू। तू अच्छी है? चलो ठीक है खाओ तो। हेलो बोलो, आप भी कैसे देख रहे हो छुप छुप के हमें? देखो मैंने आरू के लिए चोटी बना दिया क्योंकि बाल आगे आ रही थी, आरू के सर में भी दर्द हो रखा था, इसलिए मैंने इसकी चोटी बना दिया। अभी प्रेशर लगा दिया है और इधर तो गाइस मैंने आरू के लिए मंगवा दिया चाउमीन क्योंकि उसको ज़्यादा भूख भी लगी थी और अभी दवाइयाँ भी देनी है, इसलिए मैंने मंगवा दिया। और ये जिद भी कर रहा था मम्मा मुझे चाउमीन खानी है, चाउमीन खानी, इसलिए मैंने चाउमीन मंगवा दी है। देखिए सो गाइस इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का करते हैं पर एंड। तब तक जिसने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।